الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إنا أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق تعریفاں کبریائیاں وڈیائیاں دے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے ہر چیز نو پیدا فرمایا ہے اس لئے اندر مفسرین مورخین دا اختلاف ہے بعض نے لکھیا کہ 4000 اللہ دی مخلوق ہے بعض نے 18000 لکھیا ہے بہرحال یہ وعدے کٹے دے نال دین دے اندر فرق نہیں آؤں دا اللہ اکبر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک نو اس دین تے جڑا حجۃ الوداع دے موقعاں تے مکمل ہویا ہے
नबी अलैहिस्सलाम खुद बारशाद फरमा रहे हैं, या यूहन्नास इन्नी लाजानी अन्नाइता में ओफी हाजे हिल मजद से आबादा, ए लोगो मैं गुमान नहीं करता कि आज तो बाद मैं और तुसी इस मुकाम पर इस मजलस के विच कदे इकट्ठे होवांगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अरशाद फरमाया, जड़े इत्थे मौजूद आ मेरी बात ते अमल करना है, जड़े मौजूद नहीं ये तुहाडी जिम्मेदारी आ उन्हां तक मेरी बात नूं पहुंचाउणा है। नबी अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, आज तो लैके किसी अरबी नूं अजमी ते फारसी नूं रूमी ते किसी सियाह नूं गोरे ते कोई फकीयत हासिल नहीं। वजअलना शऊबकुम लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुहाडे खून तुहाडा किसी का माल गजब करना हराम है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने बड़ा लम्मा चौड़ा फसी वाज किया। उथे आयत नाजल हुई छेवें सिपारे सूरत मायदा के अंदर, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। कमो बेश 1,46,000 से आबादा मजमा है, सारे ही बड़े राजी हो रहे हैं, लेकिन सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक किनारे से बैठे ज़ोरो करार रो रहे हैं। सियाबा ने पूछा, भाई तू क्यों रो रहा है, सानू से बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर छड़िया है, क़यामत तक ना इस वादा ना घाटा होएगा, आज ला दीन असी आपकी मर्जी ना खिलौना बना लिया है ना, दीन नहीं, दीन वो ही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने अरफाज मैदान के अंदर दसिया। अल्लाहु अकबर। बाबा जी की तौबा भी उत्थे कबूल हुई, उत्थे साड़ी अम्मा हवा उत्थे बाबा जी दोनों की मुलाकात भी हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने जबले रम के उत्ते चढ़ के नहीं खुद बारशात फरमाया, बल्कि थले खड़ो के डाचे थले खड़ी आ आका ने पत्थरों से पैर रख के खुद बारशात फरमाया। अल्लाहु अकबर। पूछा सदीक क्यों रो रहे हैं, अबू बकर सदीक आपो अपनी अकल का तकाजा है, फरमाउन लगे आज जिस शख्स के उत्ते दीन मुकम्मल हो गया है वह भी साढ़े विचों जाने वाला है। इस तो 3 महीने बाद नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तो चले गए। अल्लाह मुहर्रम दे विच वापस आए, सफर दे विच बीमारी आई, रबीउल अव्वल नबी अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल दुनिया तो चले गए। अल्लाह अकबर। 63 साल ते 4 दिन चंदा दे हिसाब दे नाल नबी अलैहिस्सलाम दी उम्र हुई, आखिर इस दुनिया नू फानी नू छड़ के टुर गए। नबी अलैहिस्सलाम नू 14 दिन बुखार चढ़िया, उस पहाड़ ते गए, उन्हें शहादा वास्ते दुआवां करके आए, रस्ते चाहुंदिया सर दुखण लग पिया है, बुखार बहुत तेज हो गया है। इन्हां 14 दिनों रसूलुल्लाह कदे मस्जिद विच गए, कदे नमाज पढ़ाई कदे ना पढ़ाई। एक दिन आका ने अरशाद फरमाया, मुर्रु अबा बकरिन अय यकूमुल नास, अबू बकर नूं हुक्म दियो कि लोगों की इमामत कराए। अम्मा जी आयशा सदीका
उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज कर दिया, सोनिया मेरे अब्बा जी बड़े रतीकुल कलबा, बड़े कमजोर जे दिल दे आदमी आ, तुसी उमर नूं हुक्म दिओ, वह बड़ा सख्त बंदा है। अल्लाह अकबर, वाकई ही बड़े पहलवान थे, बड़े सख्त आदमी से दीन के मामले च नरमी नहीं, लेकिन इस तो भी ज्यादा सख्ती अबू बकर सदीक ने रसूलल्लाह से बात करके विखाई। मोहब्बत का ना है, जो हजूर कर गए काम मुकम्मल नहीं हो सकया, अबू बकर सदीक ने करके विखाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया, आयशा जिथे तेरा अबू मौजूद होए, अल्लाह ने किसी की इमामत वारा ही नहीं खानी। इन्ना मुकाम अल्लाह ताला ने सैयदना सिद्दीक अकबर को दिता है। सब तो पहला ईमान लियाउण वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर सहाबा फिर बाद मुसलमान होंदे गए, तरक्की होंदी गई। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने ईमान लियाउण तो पहला 39 बंदे मुसलमान हो चुके सी। इन्हां दा काफरां ने मशवरा करके सैयदना उमर फारूक नूं 100 ऊंट देना करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कतल करने वास्ते हजरत उमर नूं घल्लिया है। इस तों कबल हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन्हो, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो, ये भी याद रखे जी, शहीद रजी अल्लाह ताला ने भी अशरम वशरा चो। अबू अबैदा बिन जरा चारे यार, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला नो, अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला नो, ये 10 बंदे जिन्होंने अल्लाह के पाक पैगंबर ने जन्नत दी बशारतां कई दफा दुनिया से दे चुकी। जंगे तबूक के अंदर असी दीन दे मामले चा के माल नाल ज्यादा प्यार कर रहे हैं, हालांकि इहदी हकीकत कुछ नहीं, इत्थे ही रह जाएगा, ना को अज तक नाल लै के गया है तो ना ले जाएगा। ये अल्लाह के फैसले आ, जिस माल के वास्ते असी बरादरियां नूं छड़ दिता है, जिथे किसी का मुकाम बनया है, सूत्र लग गया है, उत्थे आपकी मनमानी कर ली। लेकिन याद रख लो, क्यामत का दिन होएगा, अल्लाह ताज़िरो वाज़िरा तन विज़रा उखरा, कोई जान किसी का बोझ नहीं उठा सकेगी। इन्नी सख्ती का आलम होएगा, बड़ी परेशानी का आलम होएगा। अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो, बाल एक दे साहबा ने इख्तलाफ भी किया इन्हां दी खिलाफत ते, जिन्हां दे वास्ते सैयदना अली मुर्तजा सरे फरिश्ता, इन्होंने सिद्दीक अकबर की बैत 6 मिनट बाद की। वो उन्हां दा आपदा मामला सी जंगे तबूक के अंदर, अल्लाह के पाक पैगंबर ने माल का ऐलान किया है, सहाबा लिया के माल जमा कराने लग पाए। सैयदना उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला ने 300 घोड़ा लिया के पेश किया, फिर ऐलान होया, फिर 300 किया है, फिर ऐलान होया, फिर 300 किया है, 900 घोड़ा, तो फिर कुछ रुपए भी दिते। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने पढ़ के सारे ढेर देते करार दिते, नाले फरमाया सी, उस्मान आज तो बाद तू एक भी नेक अमल ना करे ते तेरे वास्ते जन्नत दे विच जाण वास्ते आज वाली नेकी काफी। जंगे तबूक के अंदर हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला ने 20 दफा जन्नत की बिशारत आई, 20 दफा, एक महीना उसे पड़ाव डालिया है, जंग नहीं सी हुई, लेकिन कुफारा ते रोब तारी हो गया। वो खादम साहब ले गए ना
महीने का राह अजे होवे कम दुराडा पवे दुश्मना अगे रो बडाडा मारे दहशत बड़ी दहशत रसूल अल्लाह दी आका ने फरमाया सी अल्लाह ने मैनू इनाम दिता है एक महीने दे रात सफर तो मेरा रोह दुश्मन से तारी हो जाता है। अल्लाह अकबर जे आया मोहम्मद नहीं खैर साड़ी जे आ गया तो फिर साड़ी खैर नहीं। सहाबा ने इन्ना माल अल्लाह दे राह दे विच खर्च किया है ते सारे का सारा लुटा छड़िया है। शरा बुखारी च लिखिया है एक दिन सैयदना अबू बकर सदीक नबी अलैहिस्सलाम दे घर गए अगे वेख्या है अल्लाह दे पाक पैगंबर दी अखां च वासू जा रही है बड़े परेशान हाल दे अंदर आ सदीक अर्ज कर दे अम्मी भाभी फिदा का या रसूल अल्लाह मेरे वालदैन तो तो कुर्बान जान अज की मामला है परेशान क्यों जे। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया सदीक लाओ का ना इंदा ना माल अल्लाह अशरे ना बलाला अज काश के मेरे मोहम्मद दे कोल माल हुंदा मैं माल दे के अज बलाल नूं आजाद करवा लैंदा अज बलाल दियां चीखा मेरे कोल सुनिया नहीं जांदियां। सैयदना सदीक अकबर अर्ज करदे आ सोहणिया उस माल नूं असीं की करना जिहड़ी तुहाडी मनशा ते खाश ही पूरी ना करे तुसी हुक्म करो मैं बलाल नूं आजाद करवा देवा। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया हालांकि सदीके अकबर जिदे एहसान ही अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया सी मैं सारे सहाबा दे एहसाना दा बदला चुका के जा रहा है लेकिन सदीक दे एहसान मेरे ते इन्ने आ इन्हां दा बदला खुदा खुद ही देगा। अल्लाह अकबर सदीक अज तू बलाल नूं उमैया दे कोलों आजाद करवा दे ते जहन्नम दे कोलों आजादी तैनूं मैं लै देना है। अल्लाह अकबर सैयदना सदीक अकबर सरदार सी तालक सी इन्हां दा बरादरी भी सी उमैया दे घर टुर गए डेरे चले गए अगे बलाल नूं ढाया है मार रहा अल्लाह अकबर सैयदना सदीक अकबर गए समझाउन लग पे आतक्तलूना रजुलन अन यकूल रब्बे अल्लाह तुसी ओनू मार रहे हो जिहड़ा कहिंदा कि मेरा रब अल्लाह है ओहदा कोई जायदाद दा मुतालबा नहीं मकान दा मुतालबा नहीं ए ही कहिंदा रहे मेरा रब अल्लाह ते तैनू की हर्ज है। अल्लाह अकबर अल्लाह सैयदना सदीक अकबर नूं मैया कहण लगा गल्लां करदिया करदिया जे तैनू ज्यादा तरस आउंदा है ते बलाल नूं खरीद के आजाद कर दे। अल्लाह अकबर सैयदना सदीक अकबर फरमाउण लगे मैया छेती कर मुल दस ये जिदण मैया खरीद के लिया बलाल नूं नवा दिरमा च आया सी मक्के दे अंदर बंदियां दियां गुलामां दियां मंडियां लगदियां सी गुलाम विकदे सी जिवें असीं हुण डंगर वेचने आ महीना पूरा रखिया है बलाल दा कद काठ बड़ा है रोटियां बड़ियां खांदा है अमैया तंग आ गया अगली मंडी लै गया गेड़ा दित्ता है मंडी च ते छे दिनार मुल लगा अजे नबी दा सलातो सलाम ते लड़ नहीं लगा कलमा नहीं पढ़िया ते मुल छे दिनार लगा है। अल्लाह अकबर अमैया वापस ले आया चलो बकरियां बना देने बकरियां चरा छेगा हुण घाटा क्यों पाउणा है लेकिन अज सीने तो हीद आ गई सैयदना अबू बकर सदीक आंदे अमैया गल कर अमैया आंदा है तीन किलो सोना ये बलाल की कीमत है दो गुलाम जिले तेरे कोल आ काफिर होशियार बड़े सी इमानतदार बड़े सी लेकिन कलमा नहीं पढ़िया एक निस्ताज सी एक होर सी वो दोवें दे दे तीन किलो सोना भी दे दे। सैयदना सदीक अकबर घर नूं आए दोवें गुलाम नाल लै ले
तीन किलो सोना भी ले लिया है। इस तीन किलो सोने के अंदर साड़ी पहली अम्मा खदीजा जी कुबरा रजी अल्लाह तआला ने भी हिस्सा पाया है। लेके टुर गए, चले गए, जाके दे देता है बलाल नूं आजादी मिल गई। लैके टुरे आउंदे आ, गल च कपड़ा कोई नहीं, चादर बदी है। हवेली दे गेट ते आए, उमैया कहन लगा सदीक तू बड़ा काला निकलिया है, अगर मेरे को मुतालबा करता तो मैं तेन बलाल उवें दे छड़ना। सैयदना सदीक अकबर जवाब अल फरमाउण लगे, बदकिस्मत तू है उमैया, जड़ी मैं तो कीमत मंगी थोड़ी, बर्दा करी तन बलाले कारण मैं वेच दिंदा घर तोड़ी। अज ते मैनू घर का माल भी वेचना पैंदा, जायदाद भी वेचनी पैंदी। अज मेरे नाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादा कीता सी ते मैं लै के जाना सी, तेरी किस्मत सौ गई। सैयद शरा बुखारी च लिखिया है, अबू बकर सदीक बलाल नु आजाद करवा के लैके जा रहा, अगो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु पता लगा है, आका उठ के मिले, बलाल तू दीन दे वास्ते बड़िया तकलीफा उठाइया है, अज अल्लाह ने सारिया तकलीफा दूर कर छड़िया। अल्लाह अकबर। सदीक अकबर उत्थे खड़ो के ऐलान करते हैं, सोनिया अज मैं बलाल नूं अल्लाह की रजा वास्ते, अल्लाह की मुहब्बत वास्ते आजाद कर चुका। असी भी सोचिए दीन दावियां दे नाल नहीं आना, दीन करन नाल आउंदा है। असी आपकी मनमानी दीन दे अंदर करके आपके ईमान का बेड़ा गर्क कर लैने, दीन दे अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं कि इंसान आपकी मर्जी के नाल कोई काम कर ले। दीन के अंदर जो रसूलों से नाजिल हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। ए बलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इनिया तकलीफा उठाइया है जिदी इंतहा हो गई। असल मुहब्बत इदा ही ना है, जान जांदी ते जली जाए लेकिन रसूल का दीन ना जाए। माई आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया है, फिरौन बड़े शाना बाना के अंदर वसदा है, बड़ी ठाठ पाठ के अंदर खुदा का ऐलान है, मिस्र का गिरदुलवा जड़ियाँ बस्तियां सब खुदा मन रही हैं। अल्लाह ने माई ने हदायत दी, माई ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिन्हों सच्ची मुहब्बत नसीब फरमा देवे उहदे नाल दी रेस नहीं। ये दौलत दुनिया मुकदी मुकदी ते ओड़क नूं मुक जावे, साडी वंड मुहम्मद आया जो मौला नाल मिलावे। लोग घरां नूं लैकर चले, उठ मझियां बकरियां गाई, असी घरां नूं लैकर चले हौस कौसर दा साईं। मोहब्बत इहदा ना है, माल नूं ठुकरा दिता है लेकिन रसूला दी मोहब्बत नूं ठुकराया नहीं। माई आसिया नूं फिरौन ने सद लिया, मौलाना फरमाउंदे मौलाना सबसाम रहमतुल्लाह अलैह, आसिया जोड़ा फिर आउन लईन दा रब सदावे सारी मिस्र जमीन दा। माई ने कलमा पढ़िया मूसा दे दीन दा, लग गई अग जालम ताई। सदके आदा है ओए मन्या खुदा मैनू राजियां राणियां अमीरां वजीरां या ते सारियां सियाणियां, घर दी तू बीवी होके मेरा कदर नहीं जाणिया, मैं सूली चढ़ावां तेरे ताई। माई आसिया रजी अल्लाह ताला ना फरमाउण लगियां, फक दे मा अंतकास ओए जालमा जो तेरा दिल करदा है कर ला, जदों मैं कलमा पढ़िया सी सोच समझ के पढ़िया सी कि मैनू आ तकलीफां आउणगियां परेशानियां आउणगियां, परवाह कोई नहीं। एक उन्हें सोली तैयार कर ली,
तख्ता बाहां भी बन गई हैं, सिर वास्ते भी बन गया है, लत्ता माई आसिया नूं उत्ते लटा के मेखा ठोकड़ियां बदलने भी शुरू कर दित्तियां। इहदा नां है मुहब्बत। असीं आने आ जो उत्थे नाना गए ते बरादरी रस जाएगी। ईमान इहदा नां है। हुण फिरौन कुर्सी डाह के बैठा है, मेखा मार रहा है, सारे बदल दे विच मेखा मारियां हैं। किल लोहे दे गल कर लैनी आसान आ, लेकिन जो मंदिर सामने आता पता फिर लगता है साढ़े पल्ले है कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मेखा सारे बदल ठोके, दस दिन लाश उस फटे दे रही, दसवें दिन फिर आ गया चौधरी। ये पानी मंग लिया तो सिरका पे आते हैं। अल्लाह आन के कह लगा आसिया अजे भी वक्त संभल जा, मैनू खुदा मानता मैं तेन उतरा लेना, डॉक्टर सद के इलाज करवा लेना है। लेकिन माई आसिया रसी अल्लाह ताला ना फरमा हैं, जो तेरी मर्जी कर ला, मैं कलमा पढ़िया सोच समझ के पढ़िया है, तेरा रब भी हो मेरा रब भी हो ते मूसा का रब भी हो। अल्लाह अकबर। इस तो ज्यादा सख्ती और क्या हो सकती है, लेकिन दीन नहीं छड़िया। मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत का नाम है। नबी अलैहिस्सलाम जा रहे थे सैयदना अल्लाह अबू मसूद रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, रियाज़ुल सालिहीन के अंदर रवायत मौजूद आ कि नबी अलैहिस्सलाम जा रहा है तो एक जानवर सुरख रंग का है, उसके दो बच्चे आ, सहाबा ने फड़ लिया, हुण वह बच्चा परे नहीं जाता, जानवर उन्हां दे उत्ते चक्कर ला रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हां नूं छड़ दिओ, इन्हां दा बाप या माँ कितनी परेशान। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बा नी व मन अहब्बा नी फका नमा या फिल जन्ना। सहाबा ने टुकड़े टुकड़े हो गए, हजरत जैद नू वेखो उठा के, तारीख वेखो, हजरत खबैब नू वेखो, सहाबा नू वेखो, मांझा नू वेखो। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम जंगे उहदे अंदर ये बात मशहूर हो गई, नबी अलैहिस्सलाम के चार दर मुबारक शहीद हो गए। बाद लोगों ने बड़ी गलत बयानी की इस मुकाम से, वहां दे जाके अवैस करने नूं पता लगा तो उन्हें सारे दंद घुला छड़े। ये तो शरण जायज ही नहीं। हजरत अवैस रहमतुल्लाह अलैह ये सहाबी नहीं, कलमा रसूलों की मौजूदगी पढ़िया है, लेकिन सहाबी नहीं बन सकिया। उसकी वजह यह सी कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं हुई। कलमा जरूर पढ़िया रसूलों की मौजूदगी। आका ने भी फरमाया सी उमर अगर तेरे दौरे खिलाफत के अंदर तेरी जिंदगी अवैस करनी आ जाए उहदे वास्ते आपकी बख्शिश ही दुआ करवा लिया। उसके ना होने की वजह यह कि अवैस करनी की वालदा बहुत बीमार, उन्होंने खिदमत में लगा रहा है, नबी अलैहिस्सलाम के कोल नहीं आ सकिया, बाद में आया है क्योंकि आका ने फरमाया। अल्लाह अकबर। सजदना मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन चो कुछ आदमी आए, आन के कहन लगे सोने सानू को मुबलक दियो वास करे साढ़े नाल कर लो। नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो गया कि मैं किनू कर लां, मास मैं तेरी अजमत तेरी शान तो कुर्बान जावा, आसमान तो आर्डर आया है, हुक्म आया है, मेरे महबूबा मास बिन जबल नू यमन नू कर लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दफा मेरी पूरी उम्र
हक ते हलाल दी हराम दी ते हलाल दी तमीज करन वाला जे कोई बंदा है तो मेरा माज बिन जबल। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए करे हजरत माज बिन जबल दी वालदा नु गैठिया हवा हुई है जोर सारे जुड़े मंजे दी पहिया हिल नहीं सकदी लेकिन हुक्म रसूलुल्लाह दा सी जो रसूलुल्लाह दा हुक्म आ जाए फिर होर किसी की मननी नहीं। आ गए आन के आंदे अम्मा जी मैं यमन नू जा रहा है। अम्मा रोन लग पईयां कहन लगियां पुत्रा मेरा पुरसाने हाल कोई नहीं तो किदे हवाले करके जा रहे हैं ते क्यों जा रहे हैं मैं तेरे से नाराज हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वालदा ने बात आखी हजरत माज बिन जबल भी परेशान हो गए हुण मैं की करा। हजरत माज बिन जबल अर्ज करते अम्मा जी मैं आपकी मर्जी नाल नहीं जा रहा मेरे वास्ते अल्लाह ने अर्शा तो आर्डर कर लिया है। जिब्राइल ने आन के दसिया जनाब मुहम्मद रसूल्ला नू ते मैनू रसूल्ला ने हुक्म फरमाया है माज तू जमा नू जाना है मैं इस वास्ते जा रहा है। अलामा इब्ने कसीर ने लिखिया है अम्मा नू ये बात सुन के इन्नी खुशी हुई हुबकली मारी अल्लाह ने सारे जोड़ सीधे कर चुके। यह है मोहब्बत जनाब मुहम्मद रसूल्ला दी। अल्लाह अकबर। जदो तोलन का वक्त आया नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए आ गए माज नू डाची ते बाह लिया मुहार नबी अलैहिस्सलाम ने पकड़ ली। हुण मुहार बिन जबल उत्थे बैठे परेशान हो जा रहे बार बार अर्ज कर दे आका मैनू ये गल वारे च नहीं तुसी मुहार पकड़ो मैं डाची ते सवार होवां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माज परेशान नहीं होना आज अल्लाह ने जरा तैनू मुकाम दिता है तेरी इस शान से तेरी अजमत से आसमान से फरिश्ते मेरे शक कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वसीरी ने लिखा कि 24 दिन लग गए यमन जाते पहुंचे ही आप पिछले नबी अलैहिस्सलाम दुनिया फानी ने छड़ के चल गए। हजरत माज बिन जबल कुछ दिन रहे वापस आ गए। देखो ये अल्लाह का निजाम जंगे ओहदे अंदर नबी अलैहिस्सलाम एक गार डिग पे पत्थर मारे है चार दंद मुबारक शहीद हो गए। अबलीस ने चढ़ के ऐलान कर दिता है कद कोतेला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम के मुतल कहता कि हजूर कतल हो गए नाउज़ बिल्लाह शहीद हो गए। नबी अलैहिस्सलाम गार तो बाहर आए आका ने ऐलान फरमाया कि मैं जिंदा हाँ। एक माई बनी सलीम उठा वाला एक खानदान सी उन्हें घर बैठे सुने कि रसूल्ला शहीद हो गए कुबी हो टुरिया जाता नहीं सीधा होके लेकिन हजूर नाल मुहब्बत इन्नी आना गुआढ़ चलो नहीं आप जाके रसूल्ला का पता करिए सुने कि रसूल्ला शहीद हो गए जे वो शहीद हो गए तो असं घर बह के करना की। अल्लाह अकबर। तुरी जा रही है मौलाना फरमाते खबर शहादत पाक नबी दी जिस दम सुनिया भाई बनी सलीम जो उठा वाले ते ओना थी एक माई लक बन लंगोटी हाथ विच पकड़ डंगोरी ते बदला लैन नबी दा आई राहे जांदे माई ताई दो मई तां दसे आईयां कहन लगी ए केली मां करमा वाली
जिस ए मुरादा ने पाया उन आया क्या अम्मा बचड़े तेरे ते जिना शहादत पाई कहन लगी अलहम्दुलिल्लाह तेरा है फजल इलाही केड़ी घड़ी मुबारक वेले मैं ए दो पुत्र जाए तू दिते ते मैं पाले पुरसे आज कम मोहम्मद आए। अम्मा अल्लाह का शुक्र करके गां लग गई लाज दे कोल खड़ी नहीं हुई ते आंदी आ मैनू दसो नबी अलैहिस्सलाम दा की हाल आ काफला आ रहा है उस नबी अलैहिस्सलाम भी आ रहा सहाबा ने इशारा किया अम्मा और रसूलुल्लाह आ रहे जो रसूलुल्लाह नू वेख्या ते मां जबान दे विचों आंदी आ कुल्लो मुसीबत बादा का जला लुन रब दिया महबूबा तेन वेख लैन दे नाल जिंदगी दियां सारियां तकलीफां खत्म हो गईयां। यह है मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकान माई अफिल जन्ना। एक हदीस दे विच आउंदा है सैयदना अबी दरदा रजी अल्लाह ताला ने बाहर जंगल च खैमा लाया नबी अलैहिस्सलाम तो वसलाम दौर गुजर होया है देखिया एक हरनी बदी जाने किला ठोक के जो रसूल्ला कोल पहुंचे हरनी जारो कतार रोन लग पी साडा नबी कल्या बंदियां दा नबी नहीं जानवर का भी नबी रोन लग पी। आका ने पूछा की मामला है कहने लगी हजरत जी अभी दरदार ने मैनू आज तीन दिन हो गए फट के लै आता काबू करके बन लिया ना तो जिबा करके खांदा ही आ ते ना मैनू छड़दा ही आ मेरे छोटे छोटे बच्चे आ पिछे उन्होंने खरे की हाल हो मेरा हवाने च दुध इन्ना आ गया मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। नबी अलैहिस्सलाम ने आके अभी दरदार ने छड़ दे कहन लगा जी मैं बड़ी मुश्किल नाल फड़ी आ मैं क्यों छड़ा। आका ने फरमाया ये रस्सा खोल रहा है मेरी लात अल्लाह अकबर। आका ने आपकी लात उत्ते फसा दी हरनी नु छड़ दिता है हजूर आंदे अभी दरदाए वापस आ जाएगी आंदा इन्हें कोई नहीं आना। हरनी गई भजी भजी जाके बच्चों कट्ठिया किया बच्चे अगे चीखा मार रहे पुत दे नाल अल्लाह अकबर कट्ठिया करके कहन लगी मैं मुहम्मद रसूल्ला नु सामन दे के आई जल्दी करो दुध पी लो मैं वापस जाना है रसूल्ला उत्थे बैठे आ मैं जावांगी ते छड़ेगा हजूर ने वादा कर लिया। अल्लाह अकबर ये सारा काम रसूल्ला की मोहब्बत उम्मत नाल प्यार ते शफ़क़त सी हालांकि बात ही कोई नहीं सी नबी का मुकाबला कौन कर सकता जो मर्जी कर ले नहीं किया। अल्लाह हरनी दुध पिया के वापस आ गई आन के आनी सोनिया मैं आपके वादे ते आ गई तुसी जाओ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया अभी दरदा इस हरनी नू आजाद कर दे वादा मैं नहीं करना। आका ने इसरार किया वो कहन लगा सोनिया जाओ मैं हरनी तुहानू दे छड़ी जो तुहाडी मर्जी कर दी। अल्लाह अकबर अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया हरनी नू जा भाई तुर जा मैं तेनू रब वास्ते आजाद कर छड़िया है। मुफस्सिरीन ने लिखा हरनी थोड़ी जी गांह चली गई आपका मुंह आसमान वल करके जमीन ते पैर मार रही आ नाले जबान जो कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर एडे रहनुमा एडे मुशफिक नबी अल्लाह ताला ने सानू अता फरमाए लेकिन फिर भी लोग इस बात से राजी नहीं ते बाबा जी लिख गया कि नक्स नबी विच डिठा ते नबियों निस्बत तोड़ी निस्बत तोड़ मदीने वलों गैरां दे नाल जोड़ी जा शेख जलानी शेख लिल्ला दिल थी विरद बनाया
قبلے چیمو موڑ مریداں تے ول بغداد کرایا اسی تے سمجھ دے کچھ نہیں جو بزرگ کہہ گیا وہی کرنا ہے رسول اللہ نوں گل مننی نہیں یہ نام محبت نہیں یہ نام محبت آ تقاضا ہی نہیں سجدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ اتنے ایک مولوی باز کرتا ہے آتا ہے نمی نمی وگنی ہے پورے دیے وائے نہیں آخی میرے ڈول نو تو آ کے مل جائے استغفر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ڈول آخ رہا تو مینو آن کے مل جائے میرا ٹائم کوئی نہیں ایتھے اجے بھی وہ بندہ موجود آ مستری برکت بولتے وہ اینا اجمیر والوں کا مرید آ اور شبے بجدان تے کسرے عارفاں بڑے بڑے لقاب انہوں نے آپ ہی بنائے ہیں کہندا بھی میں پوچھا بھی تسی حج کرن کیوں نہیں جاندے انہاں دا جواب اگو سن لو بھی اسی اس واسطے نہیں حج کرن جاندے اسی اوتھے چلے گئے روضہ رسول تے تے رسولاں نوں قبروں باہر آ کے سانوں ملنا پے اینڈی حماقت تے ہاں اسی پیر اللہ اللہ محفوظ فرمائے انہیں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو وقت کافی ہو گیا ہے انہوں نے لیاندہ سوری سے زید نو اگے سوری چاڑ لیا زید نو لیا کے کافر بیٹھے ہیں سارے حضرت زید کی لاش لٹک رہی ہے کہنے لگے خبیب ویکھ لا اجے ویلا چھڑ دے کلمہ چھڑ دے تینوں اسی رہا کر دینے ہاں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤن لگے میری ایک خواہش آ کہ تسی مینوں پانی کا لوٹا لیا تو میں دو نفل نماز پڑھ لوں سن 57 کا واقعہ اخبار کو استان کے اندر ایوب کا دور سی ایک نوجوان نو پھائے لگے لاؤن آرڈر آ گیا جج نے پوچھا کہ تیری آخری خواہش کر لا وہ نوجوان کہنے لگا میری ہور کوئی خواہش نہیں کسی نو پیغام کوئی نہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں نو عالم لوہار دے لیا کے ایک ریکارڈ ہی سنا چھا یہ اس قیدی دے بیان جج دے سامنے اخبار چایا یہ دے جناب محمد رسول اللہ دا دیوانہ ہے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو کافران نے پانی لیا دیتا ہے حضرت خبیب نے وضو کیتا ہے وضو کر کے جلدی جلدی دور کہتا ہلکی جی نماز پڑھ لی کافر ویک کے حیران ہو گئے کہنے لگے خبیب اسی تے سوچیا سی تے موت تو ڈر دیا موت نماز لمبی کر دے گا تسی بڑی ٹھہر ٹھہر کے اطمینان نماز پڑھتے ہو آج جلدی کیوں کیتی جناب خبیب فرماؤن لگے میں اس واسطے جلدی پڑھیا تواڈے دل دے اندر خیال نہ آ جائے کہ خبیب نے موت تو ڈر دیا نماز ہی لمبی کر دی دکھ لو کہ کہن لگے اے باد صبا جا وچ مدینے جا کر دئی سنیڑا میرا مکے والے اصولی چاڑیا یار خبیب جو تیرا اس جرم تھی پاہے لامن کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں واحد رب پجیندا اے ہوئی جرم خدائیاں نام تیرے تو اے محبوبہ لکھ ہوے جندوارا کترا کترا کترن میرا پر میں تینتی مول نہ ہارا یاری لائی خبیب اجہی جند جاوے تا جاوے پر نہ ہرگز ہرگز فرق محبت اندر آوے اللہ تعالیٰ دے کول دعا ہے کہ اللہ مینو اور تانو رسول اللہ دے صحیح محبت نصیب فرمائے ساڈے ساریاں دا خاتمہ اللہ ایمان دے نال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔